आए है। हाँ हैं। है? हाँ. है, जी आज, आज है, अलबरूनी जो है मान लो विदेश का कोई आया हुआ उसको है उसको पूरी जानकारी कहाँ से मिली ठीक है संस्कृत ज्ञान आप बता रहे हो तो हम मान लेते हो संस्कृत ज्ञान था उसको ठीक है लेकिन कितना समय रहा और कितना पढ़ लिया लिख देगा और उसकी बात आप मान रहे हो इसमें जो आप पढ़ाए हो मैंने सारा आपका सुना है सारा उल्टे सीधे जो है आप बता रहे हो कि किस तरह ऐसा था किस वैसा था आप पूरी कहानी सुनना है तो हमारे किसी भी एक ब्राह्मण से बैठ के सुन लो पहले विद्वान से सुनो तब आपको समझ में आएगी महाभारत इतना आसान नहीं है कि आप एक बार अलबरूनी को पढ़ लो ग एक बार कोई विदेशिया पढ़ लो तब महारा समझ में आ जाएगी इतनी छोटी महबारत नहीं है महाभार्थ को सात दिन तक गीता करने में लग जाता है ठीक है और आप एक घंटे में पूरा महाभारत सुना दिया उल्टा सीधा ठीक है बोलिए अच्छा अच्छा तो आपने अपनी बात कह ली तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं ना आपका महाभारत में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ते हैं चलें सबसे पहले जो है शुरुआत करते हैं आपके महाभारत से महाभारत के आदि पर्व जो है उसका जो ट्वेंटी टू है वहां से शुरू करते हैं आप तो बोल दिए कि भाई जो विदेशी ट्रेवलर्स है वो क्या लिखा क्या जाना अरे भाई वो इतना विद्वान था जिसने यहाँ का सारा ट्रांसलेशन करके वहाँ दिया वहाँ का ट्रांसलेशन करके यहाँ दिया अब बैठ के एक एक चीज इतनी डिटेल से लिख के गया है जितना यहाँ के ब्राह्मणों ने नहीं लिखा होगा ये भी लिख के गया है कि ब्राह्मण जो है यहाँ वेद आज तक नहीं लिख पाए हैं अब मैं बोला कि भैया तुम लोग क्यों नहीं लिखे हो तो कहते हैं कि हमको तो उच्चारण गड़बड़ हो जाएगा ये हो जाएगा सारा चीज़ ए टू जेड लिख के गया है तो ये आप जो है एलेवेंथ सेंचुरी की कोई किताब दिखा दीजिए ना जो आपके पास कोई सबूत हो ऑथेंटिक रूप से वो भी नहीं मिलेगा वो चीज लिख के गया है वो उसको आप नहीं काट सकते हैं अरे आप क्या छोड़ दीजिए भारत के किसी माई के लाल इतिहासकार में दम नहीं है कि अलबरूनी के बात को काट दे पूरा अलबरूनी के नाम से भारत का इतिहास बनाया गया इतिहास पढ़ाया जा रहा है ग्लोबल वर्ल्ड पर अलबरूनी की किताब चलती है आज तक कोई काट नहीं सका है लेकिन फिर भी आपने कहा है कि आप उसकी बात क्यों मानेंगे तो हम तो कह रहे हैं कि मत मानिए आप होते कौन है मत मानिए हम तो आपको महाभारत खोल के पढ़ाएंगे जी हम तो आपके आप ही के महाभारत खोल के पढ़ाएंगे इतना विज्ञान विज्ञान ज्ञान महाभारत में भरा पड़ा हुआ है और अगर हम लोग नहीं महाभारत पढ़ते हैं तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मैं आपको महाभारत खोल के पढ़ाता हूँ एक एक करके पूरा महाभारत आपको पढ़ाता हूँ इतना ज्ञान विज्ञान हम लोग देखेंगे कि कितना ज्ञान विज्ञान है महाभारत में जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है रुकिए ये खोलते हैं आपका महाभारत आदि पर्व है ये और गीता प्रेस गोरखपुर का मैंने उठाया है यही सबसे ज्यादा मिलता है सब लोग यही रखते हैं आज तक तो किसी माई लाल में हिम्मत नहीं हुई कि इनको चुनौती दे सके तो इसीलिए यही उठाया है अब इसमें जो है आपका ज्ञान विज्ञान आएगा बहुत जबरदस्त ज्ञान विज्ञान है ये आपका पूरा किताब ही उठा के मैंने उठा के रख दिया है ये देख लीजिए ये ट्वेंटी टू स्वर्ग है और क्या कह रहा है इसको आप ही से पढ़वाते हैं आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे आपको आ जाते हैं मेन पॉइंट पे हम्मलेवेन नंबर जो श्लोक है आपके महाभारत का एक बार जरा पढ़ के पब्लिक को सुनाइए इन जी नंबर आइए सागर ग्राम बिहार और नागरों सहित या समुची पृथ्वी हिलती डुलती रहती है तुम्हें इसे भली भात धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे यह पूर्णता अचल हो जाए यही लिखा हुआ है ना इस हाँ इसका क्या मतलब हुआ एक बार थोड़ा समझा दीजिए पब्लिक को क्या कहना चाह रहे हैं देखिए इसका मतलब ये है कि जो लिखा हुआ ये अदृश्य ये दिखेगा नहीं आपको ठीक है आप इससे आगे जाइए जो दिख रहा है ये सब चीजें छोटी मोटी बात नहीं समझना यही कहा गया शेष नागो का आ गया जान लिए पूरी पृथ्वी को जो है ना आप स्थिर रखिए जो हिले डोले ना ठीक है तो आपके जो महाभारत है उसमें इतना ज्यादा ज्ञान विज्ञान है कि ब्रह्मा जो है शेषनाग से, से कह रहा है कि भैया ये पृथ्वी जो है बड़ा हिलती डुलती है और तुम जो है उसको भली भांति धारण कर लो धारण करना मतलब समझ ना किसी चीज को धारण कर लो ताकि ये पूर्णतः अचल हो जाए यानी कि अब चले ना मतलब आपका महाभारत बता रहा है कि ये चल रहा है इधर उधर कर रहा है तो बड़ा हिल डुल रहा है तो तुम जो है इसको अब धारण कर लो ऐसा जगह स्थिर कर दो ये निंजा तकनीक आपके

अब अगला श्लोक बीस नंबर है जरा पढ़िए तो ये क्या कह रहा है पढ़िए प्रजापते आप वरदायक देवता समस्त प्रजा के पालक पृथ्वी के रक्षक भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति हैं आप जैसा आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं ठीक है आप इसे मेरे सिर पर रख दो आगे चलिए बताइए कितना बड़ा निंजा तकनीक है आप बता रहे थे कि अलबरूनी जो है रुक जाइए अलबरूनी जो है वो विदेशी है उसको क्या पता होगा हम लोग निंजा तकनीक के बारे में और ये देखिए निंजा तकनीक आपका ब्रह्मा जो है एक सांप से बोल रहा है एक शेष नाग से बोल रहा है कि भाई पृथ्वी जो है बड़ा हिल डुल रहा है एक काम करो तुम उसको स्थिर करो धारण करो शेषनाग क्या कर रहा है इसको उठा के आप मेरे ऊपर रख दीजिए भाई आपका ब्रह्मा तो बड़ा निंजा तकनीक है जी इसे ही बोल रहे थे अलबरूनी कहा से ही सभी निंजा तकनीक समझ पाता असली निंजा तकनीक तो आपका महाभारत में लिखी हुई है एक सांप जो है रहता कहाँ था वैसे शेषनाग जरा बताएंगे कहाँ रहता था जो कह रहा है कि पृथ्वी को उठा के मेरे सर के ऊपर रख दीजिए शेषनाग वायुमंडल में ही है वायुमंडल रहता नहीं है वो दिखता नहीं है वो वायुमंडल में ही है वायुमंडल में सिस्टम का हिस्सा वायुमंडल वायुमंडल में ही है हाँ जी वायुमंडल हाँ हाँ अच्छा कितना वायुमंडल हाँ की ऊंचाई कितना है धरती से सरफेस से ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है अभी आप सुनिए मत घुमाइए आप आगे चलिए इतना अब विज्ञान इतना आगे, आगे तो साथियों आप यहाँ पे सुन पा रहे हैं कि फोर इन वन जो है इस बात से भाग रहे हैं इन्होंने क्लेम कर दिया कि वायुमंडल में रहता है अरे भैया पृथ्वी का जो डायामीटर आप देखेंगे इसका जो व्यास है वो देखेंगे तो ये देखे कितने किलोमीटर लंबा होता है और सरफेस से जो वायुमंडल होता है उसकी तो बहुत कम होता है तो वायुमंडल में कोई चीज रहेगा उस पर तो पृथ्वी के ग्रेविटी का प्रभाव रहेगा तो भाई वो अल्टीमेटली जो है हवा में कैसे रहेगा और हवा में है तो आज जो उसके सर के ऊपर रख दिया गया तो भाई साहब ये हमें बता दीजिए कि वो कौन सा क्षेत्र था जो उसके सर के ऊपर रखा गया ये कह रहे हैं ना अगला पढ़ेंगे तब बताएंगे कि उस वायुमंडल में था तो सर पे जब रखा गया तो कौन सा क्षेत्र उसके सर के ऊपर रखा गया इसका अगला इक्कीस नंबर श्लोक हाँ, के साथ अब ये ब्रह्मा क्या कह रहा है इसको ये पढ़ के सुनाएंगे अब बताएंगे बताइए फोर इन वन ट्वेंटी वन नंबर श्लोक नागराज से तुम पृथ्वी के नीचे चले आओ या स्वयं तुम्हें यहाँ आग जाने के लिए मार्ग दे देगी इस पृथ्वी को धारण कर करके लेकर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा अच्छा एक चीज बताइए यहाँ पे कह रहा है ब्रह्मा कह रहा है नागराज से कि भाई तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ भाई साहब पृथ्वी के नीचे मतलब कौन से क्षेत्र पे था वैसे ब्रह्मा और ये कौन से क्षेत्र में खड़ा था जो पृथ्वी के नीचे जाने की बात कर रहा था जरा ये थोड़ा कंफर्म कर दीजिए मतलब इंडिया के नीचे हम भारत जो है उसके नीचे मतलब अमेरिका कनाडा की बात चल रही है कि वहाँ चले जाओ कहाँ पे था वैसे हाँ जी फोर इन वन ये देखिए कोमा में चले गए ये अरे ओ फोर इन वन ओ फोर इन वन सुन रहा मेरी बात को लो कोमा में चले गए आप अरे ब्राह्मण महोदय आप कोमा में मत जाइए आप बोल रहे थे कि भाई अलबरूनी जो है वो ज्ञानी हो गया देखिए इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है आपके महाभारत में इन देखिए भाई सभी कोमा में चले गए अरे तो भाई ऐसे मूर्छित मत होइए संजीवनी बुटी मंगानी पड़ेगी और यहाँ पे कोई हनुमान भी नहीं है कि उनको रातों रात भेज दिया जाए जो संजीवनी बुटी लाकर आपकी मूर्छा तोड़े फोर इन वन फोर इन वन भाई देखें बैकग्राउंड साउंड आ रही है बस ये नहीं बोल रहे हैं भाई सभी तो हैंग हो गए ये इतनी बड़ी निंजा तकनीक देख के इनका तो दिमाग हिल गया बोल रहे थे कि अलबरूनी को क्या पता चलेगा हमारे महाभारत के बारे में इतना ज्ञान विज्ञान है कि ब्रह्मा कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ अब तो हम तो मान के चल रहे हैं कि सारे देवी देवता जो हैं वो भारत में ही जन्म लिए थे तो भारत में जब जन्म लिए होंगे तो इसके ठीक नीचे तो नहीं आ रही है अब आए हैं अब आए हैं ये तो नहीं आ रही है अरे भाई साहब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर क्लियर आ रही है हम लोगों को अच्छा। तो पता ही आ रही है अब सुनाई पड़ा हाँ जी हाँ जी आई आई हाँ, 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 हाँ. हाँ तो अब जरा बताइए हमें कि कहां से ब्रह्मा जो है पृथ्वी के नीचे कौन सा जगह था जहाँ जाने के लिए बोल रहा है हेलो अरे भाई बताइए भाई साहब देख लीजिए देख लीजिए साथियों साथियों आप सुन लीजिए इनको देख लीजिए जैसे ही बात आ गई इनको बताने की जरूरत पड़ी तो अब इनका आवाज ही गायब हो गया अब इधर उधर कर रहे हैं अब टाल मटोल खेल रहे हैं ये भाई साहब ऐसा मत कीजिए भाई साहब आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आए थे अलबरूनी को गलत करने खुद का महाभारत दे क्या मूर्छित हो गए आवाज आपकी निकलनी बंद हो जा रही है फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिस्टर फोर इन वन ये बताइए कौन सा क्षेत्र था जहाँ पे ब्रह्मा बोल रहा था कि शेषनाग तुम वहां चले जाओ जा कर धारण करो बताइए देखिए ये क्षेत्र जो है स्वर्ग का क्षेत्र है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्म लोक का है अगर स्वर्ग में नहीं कहेंगे ब्रह्मलोक कहेंगे ठीक है ये सारे आदेश ब्रह्मलोक से होते हैं ठीक है पृथ्वी के नीचे वाला क्षेत्र कौन सा है ब्रह्मलोक होता है कौन सा लोक होता है पृथ्वी के नीचे जाने की बात कर रहा है पृथ्वी के कौन से क्षेत्र पे जाएगा वो बताइए पृथ्वी के निचला क्षेत्र कौन सा आता है देख लीजिए उसमें मानचित्र में वही उसी में बोले होंगे निचले वही होता है मतलब समुद्र वाला समुद्र कौन से समुद्र हाँ, समुद्र नीचे थोड़ा है हाँ, समुद्र पृथ्वी पर है पृथ्वी पर है ना आप पृथ्वी के नीचे तो वही पूछ रहा हूँ पृथ्वी के कौन से नीचे भेजा था ब्रह्मा ने और ब्रह्मा जो है किस क्षेत्र को ऊपर मान रहा था अपने तरफ किस क्षेत्र को मान रहा था वही तो पूछ रहा हूँ आपसे वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए जरा किस क्षेत्र को ऊपर मान रहा था फिर हम नीचे भी डिसाइड कर लेंगे ना कि उसका नीचे कौन सा क्षेत्र होगा बताइए तो आप आप अलबरूनी पाइए ना अब पे आ गए डिबेट करने देख 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 लीजिए 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 साथियों अभी बोल रहे थे कि अलबरूनी इतना बड़ा विद्वान हो गया कि वो लिख देगा तो हम मान लेंगे तो हमने इनका महाभारत खोल दिया अब महाभारत खोल के पढ़ा दिया तब कह रहे हैं कि नहीं हमारा महाभारत लिखने वाले ही बेवकूफ थे गधे थे फिर से हम चले आइए अलबरूनी पर ही आ जाते वही विद्वान था देख लिया आप लोगों ने इनका मुंह ऊपर करते हैं पचाकते थूक देते हैं अरे भैया ऐसा मत कीजिए आप जो है अपने महाभारत का इतना बड़ा निंजा तकनीक जो है एक बार सबको बता दीजिए यहाँ इतनी पब्लिक है अभी तकरीबन 2200 लोग आपको देख रहे हैं ये पब्लिक इंतजार कर रही है आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण महोदय आप अपने महाभारत को डिफाइन करेंगे बताएंगे कि आप लोग कितने विद्वान थे इतनी विद्वता की बातें ब्राह्मणों ने लिखी है जिसके कारण आप आज के समस्त ओबीसी पिछड़े वर्ग को उनका हक अधिकार छोड़वा के चाहते हैं कि सब लोग धार्मिक बने धर्म कर्म में फंसे रहें इतना ज्यादा विद्वता है तो ये विद्व जरा आप बता दीजिए लोगों को कि कैसे सही है किस क्षेत्र को ब्रह्मा ऊपरी क्षेत्र मान रहे थे पृथ्वी का देखिए ऐसा है मैं सबका ज्ञाता इतना नहीं हूँ किस नाम कहाँ से आया ये सब बातों वो अच्छा, हमने तब दिखाया कि महाभारत के बारे में जो उस समय प्रचलित था वो चीजें उसने पढ़ा देखा सुना और तब एक... लिखा आज की डेट में जो आपने लिख रखा है आप उससे कंपेयर कर रहे थे अलबरूनी के नोट से पता चला कि उस समय वो वो चीजें चलती थी आप लोगों ने उसको बीच में बदल के आज कुछ और परोस दिया है ये वहां से वेरिफाइड होता है अब आप कह रहे हैं कि अलबरूनी ही गलत लिख दिया तो हमने इसीलिए कहा कि जब उसने गलत लिख दिया तो आप तो नहीं मान रहे हैं आप तो उसको गलत कह दिए तब क्या करनी उसकी बात भाई वो तो आपने गलत उसको सर्टिफिकेट दे दिया तो हम आपका महाभारत खोल दिए ना आइए आपका ही महाभारत खोल के हम देख लेते हैं कि आपके महाभारत में कितना सही लिखा है तो यहाँ पे बात चल रही है और जिस तरह से आप दो तीन श्लोक पढ़ते गए और बोल रहे थे कि हाँ पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ रहे थे अब आप यहाँ पे यू टर्न मार रहे हैं

इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को पता ही नहीं था कि पृथ्वी के नीचे क्या था इनको ऐसा लग रहा था फ्लैट समझ रहे थे पृथ्वी को फ्लैट मतलब जैसे चपटी जो होता है चपटी धरती चपटी है इसके नीचे कुछ होगा उठाने वाला वहां जाके शेष नाग अपना सर लगा देगा इसको ऊपर उठा लेगा इनको पता ही नहीं था कि पृथ्वी गोल है अगर पृथ्वी गोल होता तो ये ऐसी बात ही नहीं करते हैं कि उसके नीचे जाओ अच्छा इनको ये भी नहीं पता था कि इंडिया के नीचे भारत के नीचे अमरीका कनाडा उस तरह के देश होंगे इनको ये भी नहीं पता था अगर वो पता होता तो क्या अमेरिका जो जगह है उसको शेषनाग अपने सर के ऊपर रखा हुआ है तो वो क्योंकि पृथ्वी तो गोल है तो ये चीज जो है क्या कह रहा है की पृथ्वी स्वयं तुम्हें मार्ग दे देगी जाने के लिए इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा अब ये संपन्न हुआ कि नहीं अगला भी 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 इनको मैं आगे बढ़ा देता हूं। वो भी सब लोग देख लीजिए। ये 22 ये कहां गए 4 in 1. जरा ये? ये गए जरा पढ़ दीजिए लगे हाथ ऐसा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा वो ब्लूटूथ हो गया दुबारा आप जोड़ थोड़ा मैं मुझे तो इससे क्या है हमें जब सुनाई दे रहा तो दिखाई नहीं दे रहा दिखाई दे रहा तो सुनाई नहीं दे रहा चक्कर ये हो रहा है ठीक है मैं फोन से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ लेकिन मेरा ब्लूटूथ थोड़ा तो हो गया इसलिए थोड़ी सी टाइम मैं एक बार बाहर निकलूंगा फिर भी सेटिंग इतना करने आती नहीं है है ठीक करके आइए भाई साहब इनको थोड़ा सा रिलैक्स दे दीजिए लो भाई लोग ये सब सेटिंग कर और के आएंगे ये तो साथियों आते हैं तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं भाई थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग बॉक्स एक दो लोग खाली रखें क्योंकि वो फोर इन वन आने वाले हैं ना थोड़ा सा और वेट करूंगा आ जाते हैं तो जोड़ लूंगा नहीं आएंगे तो फिर टाटा बाय बाय और फिर यहाँ पे नीलेश नाथ लिखते हैं ये फंस गया फोर इन वन हाँ वो फंस ही गए हैं वो वो बुरी तरह से फंस गए हैं भाग ही खड़े हुए वो और आएंगे भी नहीं अभी तक नहीं आए वो मैंने बॉक्स भी खाली रखा हुआ है सुनील वाल्मिक जो हैं वो लिख रहे हैं ब्रह्मा ने जब शेष नाग से, से पृथ्वी धारण करने को बोला तो पूरी पृथ्वी को धारण करने को बोला था या फिर भारत की और ब्रह्मा की भाषा संस्कृत थी तो विदेशी शेष नाग कैसे समझे होंगे अब हाँ वही बात है ना सुशील वाल्मीकि जी अगर वो बोल दिया इनसे शेषनाग से नाग से, जो है ये लोग पता नहीं बिना ऑक्सीजन के कौन से लोक में रहते थे ये बोल रहे थे अभी स्वर्ग लोग में रहते थे मैंने पूछ दिया कि भाई स्वर्ग लोग में रहते थे तो ऊपर से पृथ्वी का कौन सा सिरा दिखता था ऊपर से कौन सा अगर भारत दिखता होगा तो भारत के नीचे मतलब शेषनाग कहाँ धारण किया था अमरीका को धारण किया था अपने फन पे उसी साइड को ना तो वहां का जो भी चीज होगा वो को तो सीधे शेषनाग के बॉडी पे उतर के चला जाता होगा वो तो ग्रेविटी की तो पूरा ऊपर से नीचे तक टाटा बाय बाय हो गया यहाँ पे अच्छा चले आगे बढ़ते हैं यहाँ पे विनो कुमार जी लिखते हैं टुन्नियों की एक दवाई दे रिलाई दे रिलाई जय भीम एस जे सर नामदेव जुमडे जी लिखते हैं एस जे सर के आगे इनके एंटीना का कवरेज गायब हो गया है अच्छा देखें ऐसे ऐसे फीडबैक आ रहे थे फोर इन वन मुझे नहीं लगता है कि अब वो आप पाएंगे